नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबर। सागर जिला के जड़ुआ खेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में सोमवार को करंट फैल गया, जिसके कारण अस्पताल में रखे उपकरण जल गए। बताया गया है कि लगातार बारिश के बाद दीवारों पर सीलन आने के कारण पूरे भवन में करंट फैल गया था। करंट फैलने की घटना से डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ अस्पताल के बाहर निकल आया। दरअसल जड़ुआ खेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। लगातार बारिश के कारण बिल्डिंग की छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। सोमवार की सुबह अस्पताल की बिजली के तारों में अचानक स्पार्किंग शुरू हो गई, जिसके बाद वहां लगे पंखे व विद्युत उपकरण में आग लग गई, जिससे अस्पताल स्टाफ काफी भयभीत हो गया और तुरंत ही मेन स्विच से पूरे अस्पताल की विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई। स्पार्किंग के कारण अस्पताल में लगे 3 पंखे पूरी तरह से जल गए हैं। वहीं दीवारों पर भी करंट फैल गया। अस्पताल में ऐसा कोई कक्ष नहीं है जहां की छत ना टपक रही हो। अधिक बारिश के कारण वार्डों के सभी बेड खाली करवा लिए गए हैं। कीमती सामान को बाहर निकाल दिया गया है। जानकारी के बावजूद भी विभाग लापरवाही बरत रहा है। वहीं प्रभारी मेडिकल ऑफिसर मुकेश आर्या ने बताया कि अस्पताल की भवन का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। भवन जर्जर अवस्था में हो गया है। मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अस्पताल में इलाज को आए ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर हर साल यही स्थिति बनती है। वहीं टपकती छत के बीच गर्भवती महिला अस्पताल में बैठी रही। प्रासु जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, जड़ुआ खेड़ा। काहे ते काहे बैठी बेनासी दफान से सूखी जगह में चितारे पूरी अस्पताल कब के बैठी एक घंटा हो जा कहूं जगह बची नहीं है कब बैठ भी लाए पूरी अस्पताल में जा कहूं देख लो आप। हमारा नाम सरदार नाम है। आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। पूरा पानी पानी हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइट भी नहीं है, करेंट आ रहा है पूरे में। जितने भी पेशेंट है कहीं बैठने की जगह नहीं है। आप खड़े खड़े आप दवाई ले सकते हैं सर, और कोई उपाय नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे कमरे चुचा रहे हैं क्या? पूरे कमरों में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए आप बूंद बूंद पूरे में टपक रहा है। कोई भी रूम नहीं है सर जिसमें एक बूंद पानी रुक रहा हो। देख सकते हैं आप पूरे में। देखिए आप ये देखिए आप हॉस्पिटल का मेन अंदर आने का पंचायत सरकार से अस्पताल की दुरुस्ती कराए और व्यवस्थाएं कराए। पंखे जले हैं, पानी बूंद बूंद गिर रहा है, मरीज को बैठने जगह ही नहीं है। बहुत परेशानी है।